हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज का वीडियो लेक्चर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखें तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, और वो है एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी, और आपका कारखाना अधिनियम 1948, और आपका लेबर रूल। तो ये तीन टॉपिक है, तीनों टॉपिक से मैक्सिमम टाइम हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें इसके बारे में प्रिपेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम इस पे अगर देखें तो कर्मचारियों के वेलफेयर एवं सुरक्षा होती क्या है, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी होता है क्या। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कर्मचारी या कर्मिक कल्याण के अंतर्गत कर्मियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम, सामान्य कल्याण को प्रभावित करने वाली सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं। कर्मचारी या श्रमिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों और कर्मचारियों को वेतन या पगार के अतिरिक्त अन्य हित लाभ या बेनिफिट प्रदान किए जाते हैं। कर्मचारी या कर्मिक कल्याण के सरल एवं सर्वमान्य परिभाषा देना दुष्कर कार्य है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया है। तो जो काम या जो फैसिलिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराता है, जो कंपनी के प्रोडक्शन या बेनिफिट से रिलेटेड नहीं है, तो वैसे चीज़ों को जो हम बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। जैसे उन्हें स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनके रहने खाने की व्यवस्था करवाना, उन्हें जनरल वेलफेयर, जैसे जनरल वेलफेयर में आपका रहने खाने का व्यवस्था करवाना, उनके रिलीफ के लिए, उनके आराम के लिए, उन्हें जो भी फैसिलिटी उन्हें चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट के समय, वो जो व्यवस्था उन्हें, जो अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं, वो फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, वेलफेयर के अंदर आती हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने 1945 में एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी को परिभाषित किया। तो उन्होंने कहना है कि कर्मचारियों या कर्मिकों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व नैतिक कल्याण के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य जो वैधानिक कानून एवं मालिकों व श्रमिकों या कर्मचारियों के मध्य हुए एग्रीमेंट के अंतर्गत वर्णित लाभों के अतिरिक्त हो, ठीक है, चाहे वह मालिकों, सरकार अथवा संस्थाओं के द्वारा किया गया हो, कर्मचारियों या श्रम कल्याण, कर्मचारी या श्रम कल्याण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कानून जो है और उनके जो लीगल लॉज जो हैं और जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, कौन करवाता है, मालिक करवाता है या ओनर करवाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसके एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं वर्णित रहता लेकिन उसे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो जो है वो वेलफेयर के अंदर आता है। उसके बाद जो है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के अनुसार जो है वो ये बताते हैं कि श्रमिकों के आराम तथा बौद्धिक व शारीरिक विकास हेतु वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त किया गया ऐसा कोई भी कार्य जो ना तो उद्योग के लिए आवश्यक हो और ना वांछित ही हो, कर्मचारी या श्रम कल्याण कहलाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास हेतु वेतन के अतिरिक्त अगर हम कोई भी फैसिलिटी ओनर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ओनर प्रोवाइड करवाता है, तो वो क्या होता है, वेलफेयर के अंदर काउंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बालफर समिति के अनुसार ये बताते हैं कि कर्मचारी व श्रमिक कल्याण के अति व्यापक रूप में इसके अंतर्गत कर्मचारी या कर्मिकों के आराम, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रभावित करने वाली सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है, तथा इसमें शिक्षा, मनोरंजन, बचत योजनाओं तथा स्वास्थ्य, प्रदा आवासों इत्यादि का भी प्रावधान
किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये तीन जो परिभाषा है ये एम्प्लॉय वेलफेयर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हैं और काफ़ी इजी है। और तीनों का अगर आप देखेंगे तो तीनों का जो कहने का जो या फिर परिभाषित करने का जो तरीका है वो लगभग लगभग सेम है, बस वर्ड्स डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट समितियों द्वारा दिया गया है। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, तीनों को कहना, तीनों के कहने के में थोड़े से जो वैचारिक डिफरेंस है उसे हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक जो है वो है कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा हेतु नियम। मैंने कर्मचारी के कल्याण के लिए या वेलफेयर के लिए और सुरक्षा के लिए जो नियम है वो क्या क्या होती है, जैसे फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हमें उन्हें फ्रेश एयर या वेंटिलेटर के लिए या लाइट के सोर्सेस के लिए हमें अरेंजमेंट करना होता है। उसके बाद जो है हानिकारक माने हार्मफुल स्मोक डस्ट स्मॉग से बचाने के लिए हमें उनके लिए व्यवस्था करनी होती है। बहुत तेज एवं बहुत कम, बहुत तेज लाइट भी नहीं होनी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी लाइट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पीने के लिए साफ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें एम्प्लॉय अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट का सामान उठा कर ले जा रहा हो। उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी है, टन्स में है, तो उसके लिए क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर किसी प्रकार की ढुलाई वाली व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कर्मचारी अपने पीठ पर लाद कर ले जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो मशीन काफ़ी हैवी है और डेंजरस है, जिसके आसपास अगर कर्मचारियों को नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर फेंसिंग करना चाहिए। उसके माने आसपास के मशीन के पास में बाउंड्री की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में एम्प्लॉयज ना आ सके। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे वरांडा का फ्लोर का और वरांडा फ्लोर्स और जो सीढ़ियाँ जो होती हैं, जो स्टेयर्स जो होते हैं, उनमें प्रॉपर रेलिंग लगी होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी किट्स हमें प्रोवाइड कराने हैं, गॉगल्स वगैरह जो होते हैं, सेफ्टी गॉगल्स जो होती हैं, हेलमेट वगैरह हो गए, बूट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए। और अगर कोई एम्प्लॉय अगर किसी ऐसी इन्वायरमेंट में काम करता है जहाँ पर जो पॉइजनस गैस लीक होता हो या पॉइजनस गैस से उसके कॉन्टैक्ट बढ़ें, तो वहाँ पर मैंने गैस मास्क हमें प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ अगर जो आग लगने का डर है तो वहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड हमें सेफ्टी प्रोवाइड करानी है। और मेंटेनेंस के समय में भी हमें एक्सपर्ट्स की मदद लेनी है और उस समय भी हमें प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन करना है। अगर किसी फैक्ट्री में 150 कर्मचारी अगर काम करते हैं तो उनके लिए हमें मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना है। और अगर जहां 500 से अधिक एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं तो वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन में कैंपस के अंदर ही प्राइमरी हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पे डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल हो, डॉक्टर और नर्स अवेलेबल हो उनके ट्रीटमेंट के लिए। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में 50 से अधिक महिला कर्मचारी अगर काम करती हैं तो उनके लिए झूला घर की व्यवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो हमें प्रोवाइड कराना होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर और सेफ्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। और नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक देखेंगे वो है एम्प्लॉय वेलफेयर का महत्व।
एम्प्लॉय को वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर, कर्मचारी कल्याण का महत्व क्या है, इसे हम पहले समझते हैं। तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जिसे हमें एक एक करके समझते हैं। कर्मचारियों की आर्थिक दशा में सुधार होता है, तो ये भी सही है कि अगर हम प्रॉपरली, अगर हम निःशुल्क का, अगर हम मेडिकल फैसिलिटी दें, मनोरंजन का अच्छा साधन दें, उन्हें अच्छा रहने की व्यवस्था करवा दें सस्ते दरों में, हम अगर हम कैंटीन में उन्हें खाने का खाना प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, उनका पैसा बचेगा, और जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को कम पेमेंट में भी या कम सैलरी में भी उनकी जो ये इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा जो है, कार्य दशाओं में सुधार हेतु, मैंने वर्किंग कंडीशन में अगर किसी प्रकार का अनसेटिस्फेक्शन है तो उसे दूर करना भी इम्पोर्टेंट होता है, और वो एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आता है। इसके बाद है रिक्रूटर और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा स्थापित करने के लिए भी ये वेलफेयर स्कीम काफ़ी यूज़फुल होता है। मानसिक क्रांति के लिए, मानसिक क्रांति मानी मेंटली स्टेबल करने के लिए, हर इम्प्लॉयज़ को मेंटली स्टेबल प्रोवाइड, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में जो मतभेद होता है उसे हटाने के लिए ये वेलफेयर प्रोग्राम जो है, स्कीम जो है, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। कर्मचारियों के नैतिक उत्थान के लिए, कर्मचारियों के नैतिक उत्थान के लिए जो है, हमें क्या करना है, इसे वेलफेयर स्कीम में इंक्लूड करना होता है। अत्यधिक कार्य करने की प्रेरणा, की प्रेरणा है, तो माने अगर हम प्रॉपरली उन्हें प्रमोशन दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो उस कर्मचारी का उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लगाव बढ़ता चला जाता है, और वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड वे में काम करता है, जो कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। और साथ ही जब वो कोई भी इम्प्लॉयज़ अगर अपने वर्किंग कंडीशन या वर्किंग इन्वायरमेंट से खुश है, तो क्या होता है, वो अच्छे मन से काम करेगा, अच्छे स्किल्स के साथ, अच्छे मूड में काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी जो है, वर्किंग क्षमता जो है, वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, कर्मचारियों के नैतिक उत्थान में हम क्या करते हैं, उन्हें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हर बड़े PSU जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, रेलवे हो गया, सेल हो गया, या NTPC हो गया, यहाँ पर देखेंगे आप कि वो समय समय पर या अपने जहाँ रहते हैं, जहाँ पे वो इस्टेब्लिश रहता है, तो वहाँ आसपास में एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, मार्केट प्लेस बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं। आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, और जिससे और काफ़ी वो भी कहीं ना कहीं अपने कंपनीज़ के लिए, और कंट्री में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, या डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपकी कंपनी और आपकी सिटी का भी नाम ऊपर आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कारखाना अधिनियम 1948 पढ़ें।